हाँ जी, जर्मनी ट्रिप का आज लास्ट दिन हो गया है भैया वगैरह के लिए, क्योंकि वो जा रहे हैं वापसी इंडिया। मम्मी, इसलिए आज हम फ्रैंकफर्ट घूमने जाएंगे। ये जी वो रेजिडेंशियल इलाका है जिसके अंदर हम रुके थे कल रात को और परसों रात को भी, बस अब जा रहे हैं। 25 मिनट दूरी है फ्रैंकफर्ट का, लगभग आधा घंटा आप समझ लो डाउन टाउन। अब ये गाड़ी आ गई, एक साइड पर लोगों ने गाड़ी लगा रखी है, हमें इधर होना पड़ेगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हमारी साइड पे है, उसको जाने देंगे। चलो ओके। अब जी हम जा रहे हैं शहर के बिल्कुल सेंटर में, उस जगह जिसका नाम है न्यू ओल्ड टाउन। ये आ गई सुंदर वाले पेड़, बस समर आने तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाते हैं। और ये जो है ना, वाटर फ्रंट के साथ साथ सारा इलाका बना हुआ है, जैसे लेक फ्रंट एरिया ऑन्टारियो में है, वैसे ही यहाँ पे अपना सुबह लोग जॉगिंग वॉकिंग साइकिलिंग के चस्के पूरे करते हैं, बंदे का वैसे ही मन करे। बाकी साइकिल ट्रैक तो रेगुलर आपको पता ही है यहाँ पे, फिर इन कंट्रीज में कितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है साइकिलिंग को कि भाई पोल्यूशन कम हो। बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज आ गया, मगर सेंटर अब आ नहीं पा रहा। सुंदर लग रहा है यार, रंग इतने बढ़िया लग रहे हैं, मजा ही आ रहा है। बाकी इसको ना यहाँ का यूरोप का आप समझ लो मैनहैटन भी कहते हैं, क्योंकि जो मेन रिवर है ना इसको सेंटर में से डिवाइड करती जाती है लगभग वैसे ही। और ये भी यहाँ का एक तरीके से फाइनेंशियल और बिजनेस सेंटर है। जर्मनी में पहले कई बार आया हूँ, मगर फ्रैंकफर्ट मैं भी पहली बार आया हूँ, बस अब इसके अंदर जा रहे हैं। मगर यहाँ पे लगा लो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। गाड़ी हमने फिर यहाँ चर्च के साथ ही ओल्ड टाउन की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमें मिल गई, तो यहाँ पार्किंग लगा देते हैं, सामने मशीन लगी हुई है। पहले मैं अपना बटुआ निकाल दूँ। देखो जी, इंग्लिश इंग्लिश यहाँ को लिखे नहीं, ट्रांसलेट की ऑप्शन भी मेरे को तो नहीं लगता इसके अंदर है क्योंकि हमें दिखे नहीं, बट हम वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, यानी कि सिक्का डालो। टाइम बता रहा है कुछ? ओके, इट सेज टिल 12:51 फॉर 2 यूरोस। ओ, हाफ एन आवर फॉर 2 यूरोस। ओहो, दिस इज नॉट अ गुड पार्किंग। चलो 1 आवर मैक्सिमम व्हाट वी विल गिवन। या इट सेज हियर सी 15 मिनट 1 यूरो। ओ, लेट्स कैंसिल। बट वेयर विल वी गो इफ वी कैंसिल? वी विल गो टू अ प्रॉपर लाइक कवर्ड पार्क, दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। How can it be more expensive than 15 minutes for 1 euro? Yeah, that's also true. एकदम ये होता ना यार, 400 रुपए घंटा पार्किंग, बंदा कहता छोड़ो 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 आगे देख ले आगे देख ले, पर आगे कौन सी सस्ती होगी, इसलिए यहाँ पे एक पार्किंग भी करी है। मैं जरा जाके चेक करके आता हूँ कि भाई, क्योंकि कवर्ड पार्किंग आमतौर पे ज्यादा महंगी होती है क्योंकि यहाँ बर्फ बर्फ पड़ती है ना, तो उसके चक्कर में जो अंडरग्राउंड पार्किंग होती है जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बाहर वाली फिर भी पड़ हो सकता है हम मार्केट के, पता नहीं यार। सेंटर ने कहा आगे एक पार्किंग है जहाँ पर 2 यूरो घंटा लग रहे हैं, 1 यूरो 15 मिनट से तो बैटरी नहीं है और है सिर्फ 1 मिनट दूर। ये बस यहाँ कंफ्यूजन है, जैसे ट्रैम गई है ना तो अब यहाँ से बता रहे ट्रैम के पीछे जाना है, वरना ये साइन देखो ये नो एंट्री का होता है, बंदा कंफ्यूज होगा यहाँ से ना चला जाए जबकि वो भी वन वे है। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, सो फ्रॉम इंस्टेड ऑफ हियर वी गो देयर, बट वी हैव टू वेट। यहाँ ये वाली पैदल चल जाए ना, बंदा एकदम चलने लगता है, बाद में ध्यान आता है ओहो मेरी वाली लेफ्ट अभी भी रेड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम को यूज टू होने में बंदे को टाइम लग जाता है। बाकी वोल्ट की डिलीवरी जा रही है, किसने खाना खुना मंगाया होगा अपना। ओए होए, अंकल भी गोल्डन टोपी था, देखो आई शाबाश आई लाइक ही। ओए होए, क्या आंटी ये फैशन स्टेटमेंट है यार, बढ़िया मम्मी। चलो ग्रीन हो गई तो अब हम ट्रैम के रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी इनकी प्लानिंग बड़ी सही रहती है कि भैया जो है ना, क्योंकि देखो ये वहां से जानी थी हम उसमें चले जाते लेन में अगर एंट्री का पता ना लगता तो। चलो अंकल क्रॉस कर लें, उसके बाद दूसरी पार्किंग बस यहीं पे ही है मुड़ के, बाकी बिल्डिंग सब थोड़ी सी वहां पे पुरानी स्टाइल वाली और दिखनी शुरू हो गई है आगे जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जाएंगे। बट लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड दिस पार्किंग हियर। अरे वाह, चर्च की तरफ आगे देखे, देखो लिखा हुआ है फ्री, मगर बड़ा पुलेखे वाला फ्री है, इसको देख के ऐसा लगता है यार बिना पैसों की पार्किंग हुई हुई हुई, मगर ये फ्री का मतलब स्पॉट फ्री है, अंदर ज्यादा खुश होने का नहीं। इधर लिखा है 2 यूरो, आई थिंक इट्स पर आवर 2 यूरो, राइट? या ओके, देन दैट्स गुड।
बाकी यहाँ पार्किंग स्पॉट सड़क के एंट्री में बहुत नैरो होते हैं, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 140 बाकी है। भाई साहब मिलीमीटर से बचा शीशा, मिलीमीटर से। Keep it? Yeah, keep it. क्योंकि यहाँ गाड़ी में आने से पहले ना इसको पे करके आना होता है। बहुत ही टाइट होते हैं यार, बहुत टाइट। हाफ सही है, सीधी सीधी आई। योगेश ने लाइन से इतनी चिपका के लगाई है कि दरवाजा खुलेगा तो हमारी मार देगा। तो मैंने कहा तू टेढ़ी कर ले, बेशक मैं अंदर कर ले। जब मैं थोड़ी ठंड ज्यादा इसलिए भैया मैंने कहा टोपी शोपी जैकेट शैकेट पहन लो, बचे ही ठीक है क्योंकि आगे भी थोड़े प्लान है। चलो जी पहुंच गए हम। न्यू ओल्ड टाउन बनाया यानी उन्होंने दोबारा से। वेब जर्मनी के शहरों के अंदर आए हैं तो वूर्स्ट जिसे कहते हैं ना यहाँ की सॉसेज और करी वूर्स्ट वगैरह तो मिलेंगे ना, बड़ी पॉपुलर जगह है। बहुत सारी यहाँ पे लाइनें शाइनें लगी हुई हैं और अगर आप ये नोटिस करो तो देखने में सारा पुराना है मगर दोबारा बनाया गया है क्योंकि जर्मनी जो है ना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिसको कहते हैं स्टोन एज में धकेल दिया था इसको इंग्लैंड और यूएसए ने मिलके, ये सारी बिल्डिंग्स जो है सब कुछ तहस नहस हो गया था मगर उसको ओल्ड स्टाइल के अंदर जो है ना रेनोवेट करके प्री वॉर लुक में दोबारा लाया गया है। कुछ बिल्डिंग्स इनमें से नई बनी हुई हैं मगर काफ़ी जो हैं पुरानी ही रिस्टोर करी हुई हैं। पुराने स्टाइल के जर्मन हाउस कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं यार। मैं अंदर ही आ गया इनका शॉट लेने के लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं। ये लगता है सिर्फ पुरानी बिल्डिंग का दरवाजा रख रखा क्योंकि ऊपर तो सारी नहीं है, दोबारा बनी होगी पर फसाड इन्होंने जो है बचा के रखा हुआ है। ये पूरा देख के पता लग रहा है कि जी है ना मतलब मॉडर्न स्टाइल है मगर डिजाइन पुराना है, उसको थोड़ा फ्यूजन कर दिया। और कुछ जो ऐसी वाली हैं ये तो बिल्कुल ही क्लासिक स्टाइल में है। मम्मी अच्छा मिक्सर बनाया हुआ ना, पुरानी अपनी वो चीज बचा के वापस ले जबकि पूरा नष्ट हो गया था युद्ध में। हाँ जी ये आ गया जी मेन स्क्वायर, भैया जा रहे हैं थोड़ी मैग्नेट वगैरह देखने के लिए और यहाँ थोड़ी सी क्लासिक लुक है और ये भी क्लासिक लुक आ गई। पीछे देखो पीछे थोड़ी ज्यादा ओरिजिनल स्टाइल की है, ये है ना? ये वाली देखिए, फोटो खींच दो फिर आपकी यहाँ पे आपके फेसबुक के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए खींच दो। ये ओल्ड क्लासिक है, ये क्या चर्च है? ये पुरानी बिल्डिंग कुछ बनी हुई है, पुराना सिटी हॉल होगा उस टाइम का जो मेंटेन स्टेट हाउस है कुछ। मम्मी बड़े ध्यान से ओल्ड वाली बिल्डिंग जो है ना वो देख रही है क्योंकि इसके अंदर ना अंदर फानूस वगैरह लगे हुए हैं। मम्मी इसके ना कुछ एंट्री वेंट्री का सीन है लगता है, देख रहे हो सामने गार्ड भी खड़े हैं, गेट खुल नहीं रहा। ये उन बिल्डिंग्स में से एक होगी जिसको बड़ा फॉर्मर ग्लोरी में पूरा प्रॉपर रिस्टोर किया गया, सरकारी बिल्डिंग होगी उस टाइम की। देख रहे हो बालकनी देख रहे हो सारे। अभी मैंने पीछे एक गाइड देखा था वो कह रहा था कि जब फुटबॉल की यहाँ की टीम जीतती है ना तो उस बालकनी पे आके वो सारे खड़े होते हैं, फिर लोग नीचे चीयर करने आते हैं। हाँ हाँ ये स्टेट हाउस होगा पुराना। मेरा नजर ठीक था भाई, मिडिवियल बिल्डिंग है और तब से जो है 14 सेंचुरी मेरे ख्याल से के आसपास से टाउन हाउस। सूट दीज आंटीज आर वेयरिंग, इफ आई कुड गेट समथिंग लाइक दैट आई विल बी कंफर्टेबल वेयरिंग। या या दैट्स इजी दोस्त का। मम्मी आपको ना मोना आंटी से हेल्प लेनी चाहिए, वो दिलवा देंगे आपको है ना। मोना कैन हेल्प हर बाय नो डॉल। You took a good picture. Yes, she can. Yeah, you like my photos? Yes. Okay, that's a rare event, but I'm glad you did. हाँ भी फोटो खींची ये वाले बैकग्राउंड के साथ ना। एक लेवल के बाद ना लोगों को यूरोप के शहर ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगने शुरू हो जाते हैं, फिर 10 दिन लोग यहाँ घूमते हैं ना उसके बाद अलग अलग शहर जाते हैं कंट्रीज चेकमार्क करने तो फिर उनको थोड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। मगर इफ यू कैन सी व्हाट आई मीन, पीछे जो है मेट्रो एरिया जो है बिल्डिंग्स वाला और ये सारा हिस्टोरिक ओल्ड टाउन कुछ रिस्टोर्ड। माता जी लाइए मुझे को पकड़ा दीजिए, थैंक यू। बाकी ट्रैम से हम चलते रहते हैं उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो ट्रैम का तो स्टॉप है। ओके वी कैन क्रॉस। आओ जी आओ। अब जी हम आ गए हैं कैफेज वाले इलाके में, जो सारी मतलब हिस्टोरिक ओल्ड मार्केट और पेडेस्ट्रियन एरिया है यहाँ पे। डॉल आई रियली वांट टू हैव सम नाइस करी वूर्स्ट। या आई ऑलरेडी सिलेक्टेड द बेस्ट वन। या हाउ फार? देयर आर 3। ओके सो बेस्ट 3 है। ओके समर के ऑनसेट की तैयारी हो गई है, पैटियोज लग रहे हैं, 7 मिनट्स वॉक। ओके देखो हम भी जो ना एज अ टूरिस्ट ही घूम रहे हैं मगर ध्यान से मम्मी खड्डा था यार, एक स्टोन निकली हुई है। मगर आगे की अगली वीडियो से जो है ना
हम आपको वो पर्सपेक्टिव शेयर करना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे इंडियंस आते हैं तो रहते कैसे हैं, खर्चे क्या हैं, करियर पर्सपेक्टिव क्या है, लैंग्वेज के बैरियर क्या है, क्योंकि मेरे अपने क्लासमेट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ आगे की वीडियोस के अंदर हम वो पर्सपेक्टिव भी सारा जो है जर्मनी के बारे में शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर तब तक रक्षिता की भी सारी सेटिंग हो जाएगी, तो फिर उसका एज अ स्टूडेंट आना शुरुआत, और जो लोग आके यहाँ सेट हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस कैसे है, एक 4 साल पहले आया था, एक 8 साल पहले आया था, एक 12 साल पहले आया था, बहुत सारी मजेदार चीजें आगे जो है लिविंग और मूविंग इन जर्मनी के पर्सपेक्टिव से शेयर। देखो जी, मर्सिडीज टैक्सी मगर काले बम्पर वाली है क्योंकि बेसिक बनाई होगी, और टेस्ला, डॉल, हैव यू एवर सीन टेस्ला एज अ टैक्सी? यस, इन मॉन्ट्रियल अ लॉट ऑफ देम, राइट? यस, बट लाइक सिटी टैक्सी एक्चुअली। या या, अब आप थोड़े से नॉर्मल, मतलब नियो उस टाइप के 80s टाइप का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी ना उसमें आ गए। भाई जी, चिकन शिकन तो बड़े हैं यहाँ पे, सॉसेजेस तो आपको बताइए फिर, जर्मनी में बहुत पॉपुलर, सुबह सुबह लाइन देखो कैसे लग रही है। बाकी सुबह सुबह अपना जो है लोग बियर शियर लेके अपने ऐसे ही स्नैक्स जो जर्मन पॉपुलर होते हैं वो लेके बैठ जाते हैं नाश्ते पे, मगर सैंड्रा कह रही है कि मैंने एक अलग जगह निकाल के रखी है, वहां चल रहे हैं। ओके, वी गो टू द प्लेस दैट यू शॉर्टलिस्टेड फॉर करी बूस्ट। या एंड वी कैन गो हियर आल्सो, बट दिस इज लाइक मोर ऑफ अ कॉफी शॉप स्लैश, आई मीन वी डोंट नो। सो यू फाउंड अ ठेला? या इट्स लाइक अ कार्ट कार स्टाइल। ओके ओके, जगह जगह जी जर्मन ना इस तरीके के टेक अवे रेस्टोरेंट टाइप बने होते हैं, लोग अपना आराम से बैठ के सुबह यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो फ्रेश लेते हैं, उसके अंदर सॉसेज चिकन वगैरह बहुत होता है, बियर साथ साथ चल रही होती है, ऐसे नाश्ते में बढ़िया। साइकिल देख रहे हैं आगे जो है स्टोरेज बना रखी है। ठीक है, बढ़िया। क्या जूते पड़े एकदम चमकीले, ये वो जॉर्डन है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो कोल हान टाइप है जो मेरा फेवरेट डिजाइन है, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन। आप आगे बिल्कुल मॉडर्न मॉल्स और ग्लास बिल्डिंग्स और इन चीजों के नाम पर भी यहाँ पे भी ये पेड़ लगा रखे हैं सारे बड़े ब्रांड, और जो कमर्शियल एरिया के साथ जो पीछे डाउनटाउन है ये गली डायरेक्टली कनेक्ट करती है, यहाँ से आप थोड़ा इस तरफ चले जाएंगे पुराना, इस तरफ सारा नया। क्या डिजाइन बनाया भाई साहब बिल्डिंग के अंदर, देखना ओ तेरी की है, देखो मम्मी नजर लग जाए आपको। चलो ये लेडीज थोड़ा रिलैक्स कर रही है, मगर वाकई एकदम ही नजारा ही बदल गया यहाँ तो, आगे बिल्कुल यहाँ से लग रहा है किसी और दूसरे शहर में आ गए, एकदम ही चेंज हो गया ना भाई जी। वीगन और बायो वीगन करी बूस्ट खाने के लिए, जो कि बेसिकली सॉसेज होती है जिसके ऊपर एक बड़ा टिपिकल सा मसाला और एक बड़ी टिपिकल सी करी डाल के दी जाती है, इसे उसको करी बूस्ट बोलते हैं। और मम्मी आमतौर पर वो सॉसेज होती है, कहीं हमें बीफ भी हो सकती है, कहीं हमें पोर्क भी हो सकता है, चिकन वाली आमतौर पर यहाँ पे कम मिलती है, मगर आजकल पॉपुलर हो गई है, प्लस पॉपुलर हो गई है आजकल प्लांट बेस्ड और बायो और वीगन, तो हमने वीगन वाला ऑर्डर कर दिया ताकि आप भी ट्राई कर सकें। सेंटर ने रेटिंग के हिसाब से देखा, कह रही है वन ऑफ द बेस्ट इन द एरिया, लाइन लगी हुई है माल लेने के लिए, अकेला बंदा है जो अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे चूज करना भैया किस लेवल की आपको स्पाइसीनेस चाहिए, यहाँ पे उसके साइंटिफिक नंबर भी लिखे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से सॉस है शायद, कौन सी वाली लेनी है आपको, डिप, ये शायद फ्राइज की बदलती होगी। भाई सेंटर ने तो यहाँ पे पूरा चार्ट ही खोल लिया है देखने के लिए कि कौन से वाले लेवल पे अपने को ठीक रहेगा। उत्तरी की तो ये कह रही है कि ये तो पेपर स्प्रे के बराबर होता है ऊपर, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा B+ ले लो जहाँ पे शुरुआत ही हो रही है, और ये थाई फूड के बराबर हो जाता है सी, विच इज एक्चुअली स्पाइसी। क्या बात है, ये सॉस है इसके ऊपर, दिस इज द प्राइस दैट वी नीड। ये हमारी वीगन सॉसेज बनने में 5 मिनट को वेट करनी पड़ी, बट रेडी है। He is not mixing it with the non-veg cutter, no? Sauce? I told you B. Oh, ये ठीक है, मिक्सर हो गया। तीनों तरह की टॉपिंग डाल देता हूँ, वेज भी डाल दी है, ये शायद चीज वाली है, भगवान जाने क्या
बाकी आलू के तो भाई साहब रक्षिता के लिए लिए मैंने, मैं तो एक ही खाऊंगा। और ब्रेड शर्ट भी साथ में मिली है, और क्योंकि ये पूरी मील थी 11 यूरो की, तो इसलिए कोक जीरो ले ली। मम्मी आती आलूओं पे हाथ नहीं डालना, ठीक है? पहले ये ट्राई करो, तरी वाली सॉसेज है और प्योर वेजिटेरियन, एकदम वीगन, ठीक है? इसलिए कोई संकोच वाली बात। उसने कैंची भी अलग ली है, नॉन वेज वाली सॉसेज की कैंची से नहीं काटा, एक ही तरह का मसाला खा गया सारा। कैसी है मम्मी का मुंह अलग सही बन गया। अब मैंने कहा थोड़े दूसरे मसाले वाले भी ट्राई कर लो ना, करी मिक्स तो अच्छे से हो यार। अरे वाह वेरी नाइस, ओहो स्पाइसी करवा दी सैंड्रा ने। आई हैव यू बी प्लस इज टू स्पाइसी डॉल, या मिक्स इट विद द ब्रेड और पोटैटो। भाई जी खा लिया करीबूस, मगर बी प्लस मसाला ले लिया था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ओहो मेरे को तो टेस्ट मतलब फ्लेवर उसका कम ही आया। बट मम्मी बाद में ना ऊपर ऊपर से चटका रहे फ्राइज के साथ, पता नहीं लगा मेयोनीज के साथ, बाद में आखिर में ना लालच कर गई, इसलिए थोड़ी सी चटनी निकाल के ना सूखी खा ली, उसके बाद से मम्मी की आंसू ही नहीं दुख रहे। अरे यार वो बी प्लस इतना भारी पड़ गया यार, वी शुड हैव टेकन लाइक ए प्लस समथिंग लाइक दैट। चलो एनीवेज जो भी है, मगर था बड़ा टेस्टी जो इमेजिन एफ वाकई भाई सब क्या हिसाब किताब होगा। चलो जो भी है, अब भैया को और रशिदा को हमने छोड़ दिया यहाँ पे, गोनों ने शॉपिंग वॉपिंग करनी है, उनका आज आकर देना है, 2-3 घंटे बाद उनकी फ्लाइट है, तो अपना जो सामान उठा सकते हैं उठा लेंगे, हम निकल रहे हैं वापसी की तरफ। बाकी ये मेरे ख्याल से तक तो अभी तक इंडिया में आया नहीं है, जितनी मैंने शॉपिंग करी है प्राइमार्क, ये H&M से लगा लो या CNA से थोड़ा सा और सस्ता ब्रांड है, पर लाइफ इसकी ओके ओके होती है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए। यू चेकिंग बनीज? ओह देयर इज अ बनी देयर आल्सो। भैया और रक्षिता यही शॉपिंग कर रहे हैं एक्चुअली, तो मैंने कहा चलो आपको भी एक गेड़ा लगवा दूं, तो भी आगे के जो प्लान बन रहे हैं ना उनके लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। 3-3, 4-4 यूरो की छोटी छोटी टी शर्ट ना, 4 यूरो 3 यूरो 4 यूरो। मम्मी ऐसी टोपी चाहिए हो सकती है आपको, ऐसी ये कितने की है? 5 यूरो की। यही H&M ज़ारा जाओगे 10 की हो जाएगी। लो मम्मी पूल शूल जाते हो चप्पल पहनने के लिए 1 यूरो 30 सेंट। चलो ये पैसे देने का टाइम है, पर्ची उधर आते पाए जावे के दे मने 6 यूरो। हाँ जी तो ये है जी अगला BNB, क्योंकि भैया ने अब जाना है तो हमने ऐसा लिया है जो कि एक रात के लिए एटलीस्ट 4 लोगों के लिए ठीक है। रक्षिता ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो उन्होंने इसको सोफा कम बेड बोल दिया। अब ये पूरा तो बना जुड़ा हुआ नहीं है और उसमें भी एक बंदा कैसे पूरा है, उसके अलावा यहाँ पे सीढ़ी चढ़ गया, थोड़ी सी सांस फूल गई है सॉरी। ये जो है बड़ा अच्छा बेड हूँ तो बहुत बढ़िया, अच्छा बड़ा बेड भी किंग साइज है। प्राइस इसका है तकरीबन 9,000 रुपये पर नाइट, बट यहाँ पे होटल भी इसी रेंज में ही 8-10 हज़ार से नीचे 7-8 हज़ार का बिल्कुल बेसिक छोटा सा मिल जाता है, मगर इनकी मेन एडवांटेज फिर यही होती है ना किचन वाली। चलो अब जी हमने जाना एयरपोर्ट, नहीं कोई कुछ नहीं फील आ गई नहीं कि मैं बाहर आया हूँ, ऐसा लगा फरीदाबाद से दिल्ली आए और दिल्ली से फरीदाबाद जा, क्योंकि फैमिली के साथ हो ना मजा अलग आता है। मैं भी यही कह रहा था हम मिस करेंगे कल से, कोई टेंशन हुई नहीं, एक मजा आ गया। चलो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, जैसे घर के डॉक्टर घर का वकील बंदा कह रहा टेंशन नहीं होती कि भाई टांका नहीं लगा देंगे, ऐसे घर का ट्रैवल व्लॉगर मिले। आओ जी आओ जी आओ। यही ऊपर क्या चल रहा था यार, मुझे लग रहा है ये छोटी ड्राइवरलेस वाली जो ट्रैम होती वो थी। पहली बार मैंने एयरपोर्ट देखा ऐसा गेट लेन वाला। इट्स पेड 10 मिनट्स, आई डोंट थिंक इट्स पेड डॉल। नो नो 250 फॉर अंडर 10 मिनट्स। अंडर 10 मिनट्स या इट्स फॉर ड्रॉप ऑफ वी आर गुड। देखें देखें 10 मिनट में हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं अंदर चला गया था बैग को चेक इन वगैरह को। ये गाड़ी हमने बुक कराई थी सिर्फ आज, यानी कि 11 तारीख जिस दिन हम ये वीडियो शूट करें, कि हमने सोचा था भैया चले जाएंगे हम यहाँ गाड़ी रिटर्न करेंगे और हम निकल जाएंगे आगे रेस्ट ऑफ द यूरोप की ट्रिप पे, बट क्योंकि रक्षिता को अपार्टमेंट ही 15 तारीख को मिलेगा तो इसीलिए हमने कहा कि हम जब तक रुक जाते हैं जब तक उसके हाथ में अपार्टमेंट नहीं आ जाता, प्लस जो उसका फर्नीचर ऑर्डर किया उसको पूरा सेट करने हर चीज उसका एक बार पूरा प्रोसेस फ्लो कराए बिना ना मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है, कि मन में तसल्ली
ली नहीं होगी क्योंकि उसके पापा की तो टिकट थी और वीजा का भी टाइम खत्म हो रहा था। तो मैंने कहा भैया को 1% भी एंग्जाइटी रहे, मैं बिटिया का 100% काम करा के ही जाऊँगा। तो इसीलिए फिर हम अब जो हैं, क्योंकि हमारी इस गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है, ये 11 तक की थी, तो इसको हम रेंटल रिटर्न में जा रहे हैं और वहाँ जाके उनसे बात करेंगे कि अगर वो थोड़े डिसेंट रेट में हमको एक्सटेंड कर देते हैं ये गाड़ी एक हफ्ते के लिए और नहीं करते तो फिर उसको वापस करके मैंने एक दूसरी बुकिंग करा रखी है फ्री कैंसिलेशन वाली, फिर दूसरी उठाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये आ गई यूरोप कार जिसने मेरे पे पुलिस बुलाई थी यूके में बाद में माफिया भी मांगी है इन्होंने। What? I am saying they apologize later formally also. कार रेंटल रिटर्न आ गए, यहाँ सारे गाड़ियां घुसाड़ रहे हैं, बंदे को इंग्लिश आती नहीं, वो कहता आगे जाओ मेरा दोस्त है वो इंग्लिश बात करेगा, उसको समझाओगे तुम एक्सटेंड करने के लिए। भाई अब कार की ना एक कस्टमरी वीडियो बना रहे हैं कि हमने कोई डेंट वेंट नहीं मारा गाड़ी के अंदर। हो गई जी, गाड़ी एक्सटेंड हो गई और उसी रेट पे हो गई जो हम दूसरी कंपनी में करा रहे थे। हमने उनको दिखा दी, मैंने कहा यार देख हमको ना 250 में मिल रही है, तू 350 मांग रहा है कर दे। कह रहा मैं यार ज़्यादा से ज़्यादा 300 कर सकता हूँ। फिर हमने सोचा कि सेंट्रा को हमने ऐसे एडिशनल ड्राइवर ऐड कराने के यहाँ भी पैसे दिए, वहाँ देने पड़ेंगे तो बराबर हो जाएंगे इतने। मैंने एक बार प्लीज़ बोला, मैंने कहा यार देख लो यार आपके पास तो कूपन कोड भी करा होते हैं कुछ डाल दो। कह रहा चलो क्या याद रखोगे, डाल दिया। उतने में मिल गई 250 में जितनी दूसरी कंपनी दे रही थी एक हफ्ते के लिए। पेट्रोल और हमने वो कराया नहीं था और सिर्फ 1/3 टैंक है, और अगर ये हमको रेट बेकार देते और हम कैंसिल कराते तो उस केस में ये डीजल भरते इसके अंदर और प्रीमियम सरचार्ज और लगाते। With the additional driver and the fact that we didn't refuel, it did end up cheaper. Yeah, otherwise it was like 20. The baseline price was like yeah about 20. 20 euro difference. हाँ. एक चीज यहाँ पे अच्छी है, देख लो हर चीज पे ना न्यूट्रिशन स्कोर लिखा हुआ है कि कौन सा ए है कौन सा बी है कौन सा सी है, जैसे इस पे वी लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं है पिज्जा के हिसाब से है जनरल खाने के हिसाब से है भगवान। जैसे इसका तो ए है तो बंदे को गए मैं तो बड़े न्यूट्रिशियस पिज्जा खा रहा हूँ, मगर तो मैं पिज्जा ही। इसका डी है बिल्कुल ही कहा नहीं खाता मैं इस वाले की, और यहाँ पे फिर बी लगे हुए हैं।